सनत नगर इस वक्त हम खड़े हैं और लाहौर शहर में बड़े पैमाने पे मिनी पेट्रोल पंप्स हैं और ये पंप्स इलीगल तौर पर कायम किए गए हैं। बड़ी टैंकी, बड़े टैंक के अंदर ये बहुत सारा पेट्रोल भरते हैं जो पूरी की पूरी मार्केट जलाने के लिए काफ़ी होता है। ये अभी देख सकते हैं आप सूरजाल, और ये अभी आप देख सकते हैं कि रिक्शे वाले ने यहाँ से पेट्रोल डलवाया। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इधर से सस्ता मिल जाता है? 100 रुपए का है सर। महंगा है? महंगा है ना। तो बाहर तो 95 का है? यही तो है। तो इधर से क्यों डलवाते हैं सर? पेट्रोल खत्म हो गया था रश्के में, क्या करूँ। अच्छा, बाई चांस ही आप इधर आ गए? जी जी हाँ, बाई चांस। आपको रेट का कैसे पता है कि यहाँ 100 का है? इसका मतलब रेगुलर इनसे डलवाते रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, रेगुलर आपके इसी चौक पे पेट्रोल खत्म होता रहता है। हम पेट्रोल उससे डलवाते हैं, पंप से। अच्छा, लेकिन अभी उनको ठीक है जी, मेजरमेंट करते हैं जी। हमारे साथ डिफेंस के इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। और किधर गए भाईजान जिनका ये पेट्रोल? सर सामने क्यों, किधर है जी भाईजान, किधर गए हैं जिनका जो इधर? भाईजान क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? ये आप हैं इधर? आप इधर आ जाए। नहीं मैं मालिक। आप है? नहीं मालिक। मालिक कौन है? बदामी बाग गए हुए हैं मालिक। मालिक क्या नाम है उनका? उस्मान खान। उस्मान साहब, तो ये आप पेट्रोल कहाँ से लेते हैं? पंप से लेके आते हैं। किस पंप से? ये पता नहीं, उन्हें ही पता है। क्यों जी, किस पंप से लाते हैं? तो हमें तो नहीं पता है। लेके आते हैं, हमें तो नहीं ना पता, मालिक वो है, हम तो इधर मजदूर हैं, हमें उधर से। आपको कितनी मजदूरी देते हैं दिन की? सैलरी 13,000 रुपये देते हैं हम। 13,000, इसका मतलब इसकी इनकम अच्छी है इस पंप की, है ना? चले इसको चेक करवाएं जी, चेक करवाएं जी, चेक करवाएं इसको, मेजरमेंट करवाएं जी इसकी। सबसे पहले तो मेजरमेंट होगी और मेजरमेंट के बाद सूरत हाल जो दीगर है वो भी आपको दिखाते हैं। और ये मिनी पेट्रोल पंप्स आग लगने के लिए काफ़ी है, और ये अगर आग लग जाए 1 मिनट लगेगा। ये देखें अंदर इन्होंने किस तरीके से तुकबंदी करके ये सारे का सारा निज़ाम कायम किया है। और रहायशी इलाका है, मासूम बच्चे यहाँ से कम है, 70 ml कम है जी ये। और ये पूरा जो है इसकी मेजरमेंट दोबारा देख लें जी, कितना कम है? एक्सपर्ट्स और भी देख लें जी इसको, 70। हाँ जी, कितना कम है जी? 70 ml कितना ये होना चाहिए यहाँ तक, कितना पैमाना भरा होना चाहिए? ये तो काफ़ी कम है पूरा जी। ये देखें कैमरामैन अगर करीब आएंगे थोड़ा तो ज़्यादा सहूलत होगी हमारे व्यूअर्स को। ये 70 ml कम है यहाँ से, और लीटर को इन्होंने कहाँ से रेगुलेट करते हैं जी? ये ज़रा खोलें इस मशीन को, रेगुलेट कहाँ से करते हैं जो इन्होंने लगाया होता है जहाँ से लीटर पूरा करना होता है? इसकी चाबी किधर है? ये तो उनके पास ही होती है, हमारे पास नहीं होती चाबी उनके पास। आए जी अंदर से आपको विजिट करवाते हैं, अंदर बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। वो इस तरह के आपको यहाँ ये टैंकर पड़ा है जी इनका, ये टैंकर है, प्लास्टिक का टैंकर है, 1 सेकेंड लगेगा आधी जदगी होते हुए। और इस टैंकर में 1,000 लीटर तक पेट्रोल शायद पड़ जाता है। और इस टैंकर को इन्होंने जिस तरीके से पास ऑन किया है, और यहाँ आपको ये वायर्स नज़र आएंगे, ये देखें ये वायर्स, ये बैटरी, ये वायरिंग सारी, एक चिंगारी जो है वो काफ़ी होगी आतिशजदगी के लिए। और आपको सबसे बढ़कर जो यहाँ टैंकर है इस पर 10 सेकेंड लगेंगे आपको आग लग जाएगी। और इस टैंकर को जब ये फिल होता है, काफ़ी ज़्यादा भरा होता है, तो पूरी की पूरी मार्केट गिराने के लिए ये, और पूरी मार्केट को आतिशजदगी के लिए आग में झोंकने के लिए ये शायद काफ़ी है। प्लास्टिक के टैंक, कितना पेट्रोल पड़ जाता है इसमें? 1,000 लीटर। 1,000 लीटर जी, 1,000 लीटर पेट्रोल। तो ये इसमें वायरिंग वूरिंग करके आपने खुद ही, इसकी मोटर किधर है? इसके अंदर होती है मोटर, अंदर। अच्छा, और स्विच कहाँ है मोटर का? स्विच भी लगाते हैं आप? ये स्विच लगा हुआ है। ये स्विच मोटर का है ना? नहीं, ये मशीन का है। मशीन का स्विच है। ये देखें जी, ये स्विच है मशीन का, इसे चला सकते हैं, ऑन करें ज़रा। ये बंद हो गई है, ये ऑन हो गई है। अब मोटर चल रही है? नहीं, अब ये मशीन बंद हो गई है। अच्छा, ये बिजली पे इस तरीके से? हाँ सर। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि इसमें अब ये आप देख सकते हैं जी, ये सारा सेटअप जो है ना, इसको इन्होंने अजीबोगरीब तरीके से बनाया है। और ये मार्केट है सारी की सारी, और मार्केट सारी की सारी है। इसके साथ सूरत हाल आपको दिखाते हैं, और जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। मुझे सील करने लगे हैं जी, ये सील कर रहे हैं जी, या ये मैयर खाली करो, ये सील करने लगे हैं जी से। और ये अगर खोलेंगे तो फिर क्या प्लेंटी है जी इसकी? हाँ जी, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का जो बेसिकली काम है ना जी, वो है सिर्फ उसके मैयर की हद तक उसको चेक करना, अगर वो मैयर लेस हो तो उसको सील करके इसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए जो मैयर वेट एंड मैयर कोर्स हैं उनमें इस्तगासा फाइल करना। फिर वो वहाँ से उनको बेसिकली होता है फाइन, और फाइन के बाद ये डीसील हो जाता है।
एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये चूंकि एक हाईली इन्फ्लेमेबल एक्टिविटी है, कोई भी पेट्रोल पंप इस्टेब्लिश होने के लिए उसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एनओसीज की ज़रूरत होती है, जिसमें होता है आपका एनवायरनमेंट, सिविल डिफेंस, रोड, हाईवेज, इस तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एनओसीज होते हैं, और एंड पे उसको जाके एनओसी इशू होता है एक्सक्लूसिव का, देन वो जो पेट्रोल पंप है वो ऑपरेशनल होता है। उसके बाद हमारी जो एक्टिविटी है वो है सिर्फ उसके मैयर की हद तक उसको चेक करना, उसको साल बाद उसकी पासिंग करना। लेकिन ये जो इस तरह की इलीगल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे ये मिनी पेट्रोल पंप लगा हुआ है या ये मशीन लगी हुई है, तो इस तरह के पेट्रोल पंप्स को हम कतई तौर पे ना पास करते हैं, बल्कि इनके खिलाफ हमने पिछले एक साल से ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है। नहीं, आपने तो कोई एफआईआर भी दी है, लेकिन इनके खिलाफ क्या करते हैं फिर? एफआईआर जो है वो हमारा डोमेन ही नहीं है, हम तो सिर्फ इसको सील करेंगे और ये लेस मैयर का इस्तगासा जो है वो वेट एंड मैयर की अदालत में भेज देंगे, और वहाँ से ये फाइन होकर दोबारा ऑपरेशनल हो जाएगा। इसलिए ये बेसिकली तो टीएमए को चाहिए कि वो इस तरह की एक्टिविटी अलाउ ही ना करें। जोन इंचार्ज जो है जी, वो इसको अलाउ ना करें, और जो है ये सिविल डिफेंस वाले अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सिविल डिफेंस के अफसर भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि ये क्या आप इसका करते हैं, कानूनी हल क्या फिर इसको होता है? ये सील तो कर दी गई है जी, जी। लेकिन ये सील की गई है मेजरमेंट कम होने की वजह से, 70 ml कम था। ये सर वैसे भी ये इलीगल एक्ट है, ये गवर्नमेंट ने किसी कीमत पे भी इनको परमिशन नहीं दी हुई कि ये आप छोटे छोटे पेट्रोल पंप बनाएं। ये गैर कानूनी तौर पे ये बना हुआ है। पिछले माह मैंने इसको जो है ना 285/86 का PPC पाकिस्तान पीनल कोड के तहत इसका पर्चा दिया था इसके बंदे, इसको मैंने थाने में बंद किया था, उसके बावजूद इसने दोबारा ये जमानत पे आके दोबारा अपना कारोबार शुरू कर लिया है। तो ये कौन मालिक है, ये जानते हैं आप इनको? क्या नाम है जी मालिक का, नाम क्या? उस्मान खान है। उस्मान खान जी, उस्मान खान है जी, जी उस्मान खान। एक इसी लड़के का पर्चा दिया था मैंने, यही था। किधर है ये? कहता है मैं तो मजदूर हूँ। तो मैं मजदूर हूँ ना, मालिक तो उधर नहीं होता है। आपने पर्चा ले लिया आपने सर? तो उठा के मुझे लेके गए थे फिर मजदूर को उठा लिया। 86/86 का पुलिस साथ आई थी, इनको उठा के थाने बंद किया है। और इधर मैं ही होता हूँ तो मुझे ही लेके जाना था, मालिक तो है नहीं है इधर। जमानत करवा के ये देखे, इतनी दीदा दिलेरी है इसकी कि एक दिन जेल में रह के आके दोबारा अगले दिन जमानत हो गई थी। जमानत हो गई। लाल पुल इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ मिनी पेट्रोल पंप्स की बहुतात है। मिनी पेट्रोल पंप्स आप लोगों की जान के लिए भी खतरा, और जो मार्केट्स हैं, रहायशी इलाके हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा। और ये आप देख सकते हैं मिनी पेट्रोल पंप, और ये उन जगहों पर कायम है जहाँ रहायशी इलाके भी हैं, जहाँ मार्केट्स भी हैं। मेरे कैमरा मैन अगर अंदर आ सकें तो आपको दिखाएं कि अंदर की सूरत हाल क्या है, और साथ आपको ये भी बताएं कि यहाँ किस बड़े पैमाने पे तुकबंदी की जाती है, और ख़ुद से ये चीज़ें ये देखें, ये पर्दा हटाएं जी, साइड पे करें। ये टैंकर आप देखें जी, पूरा भरा हुआ है, पूरा फुल टैंकर। आपने इतना भरा टैंकर कभी नहीं देखा होगा। ये टैंक जो है पूरे का पूरा फुल है। और ये सिदरा खान साहब हमारे साथ हैं, ZOR हैं, और चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्री से। चौहान साहब मुझे ये बताइए कि ये कितना इसमें आ जाता है पेट्रोल? इसमें 1000 लीटर तेल आता है इसमें। ये कितना है भरा हुआ, देखें जरा चेक करें। ये मेरे ख्याल से भरा ही हुआ है सारा। ये तो फुल है? हाँ फुल है जी, 1000 लीटर है। अगर ये ब्लास्ट हो जाए और इसके जो पेट्रोल के बहरात होते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली बाहर आते हैं। जब ये बाहर आएंगे, कहीं भी शोला छोटा सा कहीं भी हो जाए ना, ये एक सेकंड से ये पहले ये ब्लास्ट हो जाएगा जी। खान साहब मुझे ये बताइए कि ये आपकी नज़र से गुजरते होंगे ये सारी चीज़ें, कितनी नुकसानदेह हैं ये सारी चीज़ें, और आप इसके लिए वक्तन फ़ौक्तन क्या अमल दरामद करते हैं, क्योंकि ये तो लोग दिन दहाड़े बैठे रहते हैं? इसके लिए हमारे लॉर्ड मेयर साहब कर्नल मुबशिर साहब की तरफ से हमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि जहाँ भी आप पेट्रोल वाली मशीन देखें उसको वहाँ से फौरी तौर पर हटाएं और सील कर दें। तो कितना होता है इसमें पेट्रोल? ये वेटर में ये 1000 लीटर ये कन्फर्म है। लेकिन ये पहला टैंक है, बहुत सारे ऑपरेशन हमने पहले भी किए हैं, लेकिन ये पहली टैंकर है पूरा के जो भरा हुआ है। हाँ। फुल है, और इसमें जितनी आप रिक्वायरमेंट बता रहे हैं उतना ही पेट्रोल है इस वक्त। हाँ, बिल्कुल 1000। कितना ये मोहलक और नुकसानदेह है? अगर ये ब्लास्ट हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो आबादी साथ है, लोग हैं, बच्चे छोटे छोटे मासूम, पूरी मार्केट है। डेफिनेटली नुकसानदेह तो है, इसके लिए तो पलक झपकते ही काफी घराने और इसकी जद में आ सकते हैं, जिसकी आग भी बाद में नहीं बुझाई जा सकती जल्दी, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, हेल्प आते हुए भी बहुत टाइम लगेगा। मुझे चौहान साहब ये बताएं कि इसको अब क्या, इसका हल क्या होना चाहिए? देखिए आप पूरा सील करेंगे, इसे क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ ना, अभी हम उसको भी सील करेंगे, इसके चलान भेजेंगे, 25,000 के दो चलान भेजेंगे, एक इसका मैयर का भेजेंगे, एक इसका भेजेंगे कि हमारी सीलें नहीं है,
हम इनको पास नहीं करते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो कैसे खुल जाते हैं फिर? ये जो मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन है ना, इनका जो है ना रोल इसमें बहुत ज्यादा होना चाहिए। इनका एक सेक्शन 138 है रूल इनका, उसके तहत ये इंक्रोचमेंट जो नजायज है ना, जो खतरे का बायस बनती है, यानी कि जिसमें वो दफा 144 भी आ जाती है, ये इनको ऐसा इनको उठाए ना, दोबारा दे ना इनको। अगर हमारे पास कोई लाभ, मेयर साहब ने इस मामले में काफी सख्ती बरती है और उन्होंने बहुत सारी मशीनें जो है वो वापस नहीं की, ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसी है, मेरे टाउन में इस वक्त भी पड़ी हुई है। कल हमने अभी अपने टाउन में 5 दुकानें सील की है, क्योंकि ज़ाती तौर पे मुझे पता है, तो इस वजह बता भी सील करे। जैसे हेल्थ वाले नहीं, उन्होंने किसी हकीम की बंद कर दी, किसी वो है ना वो यानी कि नॉन जो डॉक्टर है उसकी बंद कर दी, वो हाँ वो जो अताई है उनको दोबारा वो खोलते नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मजाज अथॉरिटी है अताई डॉक्टरों को खोलने की। ऐसा 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 हमें भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसा हमें तमाम महकमे को जो है ना वो साथ जो है ना अदालत इसका नोटिस ले। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, अदालत को लेना चाहिए ना। हम तो अपना एक्शन लेते हैं। सरकारी मुलाजमी तो जितने इख्तियारात मेरे पास है मैं तो वही इस्तेमाल करूंगा, जितने मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन के पास है वो अपने इख्तियार। टैंक जो है, ये जो टैंकी पड़ी है पेट्रोल वाली, ये पूरी आबादी जो है जो यहाँ मौजूद है उसे जलाने के लिए काफी है। खुदा ना खास्ता अगर ये सूरत हाल खराब हो जाए तो। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आप? भाई मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूँ लेकिन काम ये इनका है। बिल्कुल सही हो गया। किन का काम है? हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी भाई जान, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल साहब, तो आप चेक चुक कर लेते पहले कि यार किसको देने लगे हैं, क्योंकि ये इल्लीगल है? नहीं, पहले तो इन्होंने पार्ट्स का काम करना था इसलिए इन्होंने ली थी। आपने पूछा नहीं कभी, क्योंकि मालिक होने के नाते कि अब ये सील कर जाएंगे सारा तो आपको भी नुकसान होगा और आपको पता नहीं कितनी देर बाद खुलती है नहीं खुलती? सर ये तो तरीकाकार नहीं है, ये दूसरे दिन की मशीन उठाते हैं, तीसरे दिन ये फिर यहाँ पे होते हैं, ये तो फिर बल्दिया वालों का काम है कि ना प्रॉपर इनको उठाएं यहाँ से। आपने इतनी दफा मशीनें उठाने के बाद आपने इनको क्यों नहीं उठाया? नहीं, हम किस तरह उठा सकते हैं, ये काम गवर्नमेंट का है। नहीं, काम मालिक है ना, बंद हो ना, मालिक है जब भी यहाँ आते हैं, प्रॉपर्टी के मालिक है ना। महीने में 10 दफा जो है ना, हम जो थाने में जाता हूँ, ठीक है, महीने में 10 दफा पुलिस वाले आते हैं। पक्का नहीं तो पक्का बंद करो, भी ये तंग करने की जरूरत है, ये तंग करने की बात है हमें, ठीक है? यार मशीन हम बात करने लगा, मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे आती है, ठीक है? नाम आपका क्या? मोहम्मद इस्माइल नाम मेरा। इस्माइल, मुझे ठंडे दिमाग से ये बताओ कि ये मशीन चलती है जब तो कोई पैसे पूछे लेने आता है तुमसे, पकड़ने आता है, कोई रिश्वत लेता है? ये मैं मीडिया के सामने ये बात नहीं करना चाहता, ठीक है? वो हमसे कोई लेकर पहले, हमसे कोई काख ले, हमसे कोई लाख ले, ये मैंने बात नहीं करनी, ठीक है ना? मैं करना चाहता हूँ मीडिया के सामने, ठीक है? वो हमारा मसला है, ठीक है? जो करनी है तो फिर पक्का बंद करो, नहीं करनी है तो ठीक है, हमें चलने दो। कितनी दफा वापस आई आपकी? ठीक है, ये कोई दफा वापस नहीं, मैं कम से कम ये 2 महीनों के अंदर ना 4 दफा जा चुका हूँ मैं, ठीक है? मशीन वापस नहीं आई, नहीं लेनी पड़ी? मशीन उठाई नहीं हमने इधर से, ठीक, एक दफा गई है, ठीक है, वो उधर ही पड़ी हुई, हमने नहीं ला के रखी हुई है। अच्छा, ये फिर आप एक और ले आए जी? एक मशीन बल्दिया लेके गई जी, यानी मेरे साथ वो भी आ गई है। कौन लेके गया? वो भी आ गई। कौन लेके? नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो भी आ गई? वो भी आ गई। ये क्या कह रहा है? इन्होंने आपको खुद ही बताया कि एक दफा चली गई, ये लोग अपनी अंडरटेकिंग देती है स्टाम्प पेपर पे, ये स्टाम्प पेपर बकायदा देते हैं जिसपे मेयर साहब मान जाते हैं, लॉर्ड मेयर साहब उस पर एक्शन लेते हैं, ऑर्डर करते हैं कि ये दोबारा वहाँ नहीं लगाएंगे, ये खुद अंडरटेकिंग दे के आते हैं, मर्जी लगा लें और नहीं, कहीं भी नहीं। इनको इलीगल मशीन इनको वापस क्यों करते हैं? इनका मतलब ये होता है कि ये कहीं पर इलीगल कारोबार नहीं करेंगे। मशीन वापस क्यों करते हैं? मशीन जब्त क्यों नहीं कर लेते उसे? नहीं, जब्त की है हम लोगों ने, काफी मशीन जब्त की है। अब इसका सोर्स क्या है आई डोंट नो, पहले इसने आपको यही कहा है कि हमने मशीन वापस नहीं ली और नहीं ले ली। वो भी आई है मशीन अंडरटेकिंग के बाद आई है ना आपकी, जो मशीनें जाती हैं वो सभी की वापस आती हैं, सभी की वापस आती हैं, ठीक है? ये मुल्क हमारा ऐसा है, करप्शन मुल्क है ये सारा, मुझसे लेके और बड़ों से लेके ये सब करप्शन करते हैं यहाँ पे। प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फातिह शहबाज खान। 3 इदारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिसमें सिविल डिफेंस है, इंडस्ट्रीज हैं और बल्दिया उज़्मा की टीमें मौजूद हैं। ये ट्रक आप देख सकते हैं और बादामी बाग इस वक्त लोहे वाली पुली हम मौजूद हैं, लेकिन शहर भर में जो धंधा जारी है मिनी पेट्रोल पंप्स का, जो ब्लैक पेट्रोल करके शायद बेचते हैं या क्या सूरत हाल है, ये मैं इनसे जानने की कोशिश भी करता हूँ जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन ये जारी हो सारी है। और प्रोग्राम तमाशा इस पर कई दफ़ा बात कर भी चुका है। यार बात सुने बेटा, क्या नाम है आपका? इसका चेक करें जी, मीटर पहले चेक करें। क्या नाम है बेटा आपका? नसीर।
चेक तो कर ले लीटर कितना दे रहा है, जरूरत ही नहीं है ना उसकी, और लीटर चेक तो करें कितना भेज रहा है कितना नहीं भेज रहा। सर इसको जरूरत ही नहीं है, जब मशीन उठवा देनी है ना। मेरी बात नहीं आप समझे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमसे पहले लोग पेट्रोल डलवा रहे थे तो पैमाना इसका कितना है। मैं ये पैमाना जानना चाह रहा हूँ कि हमसे पहले जो ये काम डाल रहा था वो कितना नफीस था। ये पूरा नहीं होगा ना, ये तो शोर है ना, शायद पूरा हो। नहीं सर ये पूरा नहीं होगा क्योंकि आपकी मौजूदगी में दो तीन दफा यहाँ ऑपरेशन किया हुआ है, आपको अच्छा भला पता है। अच्छा मैंने एक बात देखी है बड़े गौर से, हमें दो नंबरी का जहाँ चांस मिलता है हम फौरी अवेल करते हैं। कैसे भला, अभी एक चिंची वाला आया, उसने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, हम अब देख रहे थे तो उसने देखा कि ये हलचल में है तो वो 100 उसने इसको देने की बजाय ना जेब में वापस डाला, एक सेकंड लगा उसे, उसने देखा टीमें पड़ गई हैं, छापा पड़ गया और वो 100 का पेट्रोल डलवा के भाग गया यहाँ से। जहाँ आपको चांस मिलता है ना दो नंबरी करने का, 100 का हो चाहे फौरी तौर पर चांस अवेल किया जाता है। ताहिर साहब जी हमारे साथ, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। तो कैसा चल रहा है ये आपका काम सारा, आप जो छापे छुपे मारते हैं कोई बेहतरी आई इनमें? ये मिनी पेट्रोल पंप बिल्कुल इलीगल काम है, इस गैर कानूनी तौर पे ये मशीनें लगी हुई हैं, किसी किस्म का गवर्नमेंट का जो है ना ये अपना अब बर्दाश्त नहीं है कि बिल्कुल ये बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ये पिछले दिनों ये शुमाली लाहौर में इधर मिसरी शाह के एरिए में एक मकान में लगी हुई थी, पूरा मकान जल गया, कोई उसका कोई एक चीज भी नहीं बची। बेटा आओ इधर, क्या नाम था इसका, पैमाना लेके आओ। मालिक मकान को चाहिए, ये जो जिसने किराए पे दी है ये उसको पता ही नहीं है कि ये कितना बड़ा रिस्क है पूरे इलाके के लिए, रिस्क है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने तुकबंदी की है और अंदर सिस्टम बनाया वो सारा मैं अपने व्यूअर्स को दिखाता हूँ। पैमाना लेने कौन गया था जी, पैमाना लेने कौन गया था? वो लड़का भाग तो नहीं गया आपसे जो पैमाना लेने गया था? चौहान साहब ये तो आप रोज फेस करना पड़ता है, क्या अपडेट है, क्या जरूरत है? ये पिछले ना लास्ट वीक हमने ना कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से 4-5 दिन मैंने और ताहिर साहब ने पैमाना ले आयो। ये कौन सा पैमाना है? पैमाना है ही नहीं, इसमें कितना आएगा इससे पता चल जाएगा? इसमें 500 मिली आएगा, इसमें पता चल जाएगा, इससे 500 मिली पता चल जाएगा। ये डालें यार, कब से है बेटा ये कायम इधर? पता नहीं भाई, मैं तो नया आया हूँ। कितना नए हो आप? मुझे तकरीबन 3 दिन हुए अभी। बस 3 दिन? कितना तनख्वाह देते हैं आपको? मुझे 10,000। 10,000 तनख्वाह देते हैं? और ये कब से, आपसे पहले कौन थे लोग, कोई पता नहीं? कोई पता नहीं। और कौन मालिक कौन है इसके? इसके मालिक आमिर गुजर साहब। आमिर गुजर साहब क्या करते हैं? आमिर गुजर साहब शफीकाबाद थाने में होते हैं। थाने में क्या करते हैं? पता नहीं भाई कौन है, मुझे पता नहीं है पता। सुन रहे हैं आप? जी 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 जी, क्या कह रहे हैं जी? शफीकाबाद थाने में होते हैं। लें जी ये पैमाना चेक करने लगे हैं कि हमसे पहले छापे से, यानी पहले जब तीन इदारे इधर इकट्ठे हुए इनको चेक करने के लिए, तो ये कितना पेट्रोल डाल रहे थे, इनके पास कोई रेगुलर पैमाना नहीं है। तो हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं चौहान साहब, ताहिर साहब, इनका कहना है कि हम इससे ज़रा चेक कर लेंगे कि क्या सूरत हाल है और कितना पेट्रोल है। पैमाना ठीक है? पैमाना इसका ठीक है। ठीक है, कितना पेट्रोल डाला था इसने? 52 का, देखो आधा लीटर। पैमाना ठीक है ना? हाँ जी ठीक है, पैमाना इसका ठीक है। पैमाना ये रखो बेटा, ये तुम्हारा पेट्रोल है। अच्छा जी अब मेरे साथ अंदर आए जी, ताहिर साहब आप भी अंदर आए, चौहान साहब आप भी अंदर आए, इलाके मकीनों से मैं बात करूंगा, लेकिन आपको अंदर की सूरत हाल दिखानी बड़ी ज़रूरी है। ये एरिया है, इसमें ये मार्केट है सारी और बड़ा गुंजान इलाका है और काफ़ी ज़्यादा आबादी इसमें होती है। इस आबादी के होते हुए यहाँ आपको दिखाता हूँ कि किस तुकबंदी से और किस तरीके से ये लोग जो हैं इन्होंने इधर सारा मैकेनिज़म बनाया होता है और ख़ुद से वायरिंग करके ये इन्होंने पर्दा इधर रखा होता है और ख़ुद से वायरिंग करके इधर पेट्रोल का बड़ा ड्रम रखा होता है और ये ड्रम जो है ये किसी भी बड़े थाने का पेश खेमा बन सकता है और किसी भी बड़े थाने का मुर्तकिब हो सकता है। ये जो ड्रम है ये पर्दे के इधर, और आप देखें ये इन्होंने खुद से मोटर लगाई है, खुद से वायरिंग की है जो पंप करके उसको उस उधर तक भेजता है और इधर आए। सबसे बढ़कर मेरे कैमरामैन नसीब साहब अगर दिखा सकें तो ये देखें जी, ये इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है यहाँ, जहाँ स्पार्क एक सेकंड में हो सकता है और सेकंड में स्पार्क अगर खुदा न खास्ता होता है तो उसके नतीजे में ये पूरी की पूरी मार्केट में आग बुझाना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। ये इधर ड्रम है पूरा, यहाँ पेट्रोल इसके अंदर भरा होता है और साथ ये देखें कितना हसास काम है, पेट्रोल के ड्रम के साथ जो भरा होता है जिसमें 500 लीटर शायद आ सकता है, ये UPS पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है सारा। चौहान साहब कितना? 1,000 लीटर जी, चौहान साहब ने करेक्ट किया मुझे, वो फरमा रहे हैं कि ये 500 लीटर नहीं है, 1,000 लीटर का ये ड्रम मौजूद है
और ये लोकल ड्रम है, लोकल मेड है और प्लास्टिक का ड्रम मौजूद है जिसका कोई SOP नहीं है कि ये किस कंपनी से लिया है इन्होंने। ये ऊपर लिखा हुआ है 1000 साथ UPS नहीं, UPS तो वो तो सारी बात है, ये इतनी खतरनाक चीज है कि इसके बुखारा जो है ना ये ऑटोमेटिकली उठते हैं, बाहर निकलते हैं। और इसको आग के लिए ये नहीं है कि आप कुतीली पकड़े, माचिस पकड़े, इसके पास लेके आए, ये इसको आग लग जानी है बस। आग लगने की सूरत में सूरत हाल ये होगी। और ये आप देख सकते हैं UPS का सिस्टम सारा इंस्टॉल है इधर। और ये आग एक सेकंड में पकड़ता है, यहाँ तो कई माइल्स पे सिगरेट पीते पेट्रोल को आग लग जाती है, कई फिट अवे आपको रोका जाता है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर एहतियाती तदाबीर जब करते हैं। तो इसमें आप ये देखें सबसे बढ़कर ये पैमाना पड़ा है जिनके पास, ये क्वार्टरी है और होता है इसमें ना मोबाइल डालते हैं। अच्छा, ये अब पता नहीं किस कंपनी का है लेकिन लोकल मेड है। और इसकी आपको सबसे बढ़कर बताएं कि ये वायरिंग खुद से की है जी, मोटर बनाई है उन्होंने। हाँ जी ये वायरिंग होम मेड है। ये भी स्पार्क कर सकती है? नहीं, स्पार्क से मतलब अगर यहाँ पे लीकेज हो रही हो ना तो फिर ये और ज्यादा खतरा है, कहीं भी आग लग लीकेज हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी आपने देखी यहाँ कहीं भी? यहाँ अगर स्पार्क हो जाए बोर्ड देखो, हाँ वो स्टूट है कि जो है ना वो एक सेकंड लगेगा, आग लग जाएगी इसको। अगर इधर आग खुदा ना खासा लगती है तो ये पूरी मार्केट की आग बुझाना मुमकिन होगा? ये तो बहुत बड़ा ब्लॉस करेगा। ख्याल जैसे ये एरिया गुंजान ये आबादी और राशि इतना बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो है ना वो फायर ब्रिगेड के अमले को या और महकमों को आना बड़ी मुश्किल हो सकती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ये संगीन मसला है और ये मसला जो है वो इस मार्केट का मसला है, सारी की सारी मार्केट का। ये मेरा और आपका प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बढ़कर इलीगल मिनी पेट्रोल पंप्स जो है, पेट्रोल इनको कुछ सस्ता मिलता है जी, क्या सूरत हाल है? कहानी क्या है? पेट्रोल है ये भी बात है, ब्लैक होता है, ये ईरान से स्मगल शुदा ईरान वाला स्मगल शुदा है, जिसमें जो है ना वो बचत ज्यादा है और मोटरसाइकिलों का जो है ना वो सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि ये के नमूने लेके आपने चेक किए हैं? ये अवेयरनेस लोगों को देनी जरूरी है, नमूने लेके चेक किए हैं? इसके बगैर इनको प्रॉफिट हो ही नहीं सकती, इसके बगैर इनको प्रॉफिट ही नहीं हो सकती है। दो नंबर तेल, ये आपने नमूने चेक करवाए इसके? नहीं, नमूने नहीं, खैर इसके चेक कराए लेकिन ये हमें इतला है, इसका मतलब इन्हें 40 रुपए में पड़ता है और ये 100 का बेचते हैं? नहीं, 40 का नहीं पड़ता लेकिन इसमें जो है ना वो प्रॉफिट ज्यादा है। अरान का एक लीटर तेल में 20 से 25 रुपए। बेटा ये कहाँ से पेट्रोल लेते हो? मुझे नहीं, कुछ नहीं पता है, मुझे नया आया हूँ मैं तो, कुछ अंदाजा ही नहीं। नहीं कुछ नहीं। पेट्रोल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल पंप से लाते हो? कहीं से, कहीं और से आता है? पता नहीं, पेट्रोल पंप से लाते हैं मुझे तो जाकर। लेकिन आपके मालिक विजिट नहीं करते यहाँ? आते नहीं है? आते हैं लेकिन मुझे। कब आते हैं वो? आए पता नहीं यार, 4 बजे आए थे। 4 बजे आ जाए थे? हाँ जी। जायदा लेके गए कि काम ठीक चल रहा है? हाँ जी। वो वायरिंग आपने इस तरीके से की है तो आग लग सकती किसी लम्हे भी, ये आपने खुद गौर किया? हाँ, हम रश के में पेट्रोल डलवाते हैं, आज़ादी चौक जाते हैं, ख़त्म हो जाता 50 का ये पूरा पेट्रोल नहीं डालते हैं। आप क्या चलाते हैं? रिक्शा चलाते नहीं, मेरी मोटरसाइकिल है। 50 का डलवाएं ना तो ये 47 का डालते हैं, 47 रुपए का पेट्रोल डालते हैं, 50 का पूरा डालते हैं, 50 का डलवाते हैं रश्क में, आज़ादी चौक जाते हैं, खत्म हो जाए। 52 का डाला है ना तो इसलिए पूरा हाफ लीटर हुआ है। अगर 50 का डालता तो नहीं होना था। 3-4 रुपए मार्जिन यहाँ भी है। लेकिन मार्जिन के बगैर तो ये आप ये दादा करेंगे कि अगर ये 10 रुपए ऊपर रखे उसका कम और 4 रुपए ज़्यादा या 2 रुपए ज़्यादा ना, तो ये तकरीबन 1000 लीटर सेल अगर हो जाए और 10,000 रुपया सूखा मालक को आ जाता है डेली का। बेटा कितनी सेल है डेली की, कोई अंदाज़ा है? 3 दिन में, 3 दिन का कोई अगर आप बताना चाहें? इसकी 400 लीटर सेल है। 400 लीटर 3 दिन की कितना बन गया? एक दिन की 400 लीटर सेल। 400 अगर सेल है ना, 500 रुपया यानी कि 5,000 रुपया डेली इनका है, डेली 5,000 रुपया। तो महीने का बड़ा अच्छा, महीने का 1.5 लाख रुपया हो गया इधर से। हाँ, इधर से 1.5 लाख रुपए महीना। काफी ज्यादा लगी हुई है, आगे भी लगी हुई है ज्यादा, 2-3 आगे, 10 इसी लाइन में बहुत ज्यादा लगी हुई है। इनकी मशीन एक ही मालक की है। पेट्रोल पंप में डलवाते हैं पेट्रोल 200 का डेली, दिहाड़ी गुजर जाती है। इधर से 100 का डलवाते हैं, 1 घंटा नहीं चलती रक्षा। ताहिर साहब किधर है जी? ताहिर साहब मुझे बात करनी है। और ये 3 इदारों का जी मुश्तरका ऑपरेशन है। मेरे कैमरामैन जिस ट्रक में इस वक्त सवार है वो भी बल्दिया उज़्मा का ट्रक है और जहाँ वो खड़े होकर हमें कैप्चर कर रहे हैं और अब तक ये सारी चीज़ें एक्सक्लूसिव मनाज़िर जो हैं पेट्रोल पंप्स के वो आपको दिखा रहे हैं। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ जो इलाका मकी और 7 दुकानें मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं 7 भी दुकान मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है आपकी? क्या नाम है आपका? अफजल। अफजल, ये 7 पेट्रोल पंप है? हाँ जी। तो
خیر ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پریشانی ہوتی ہے آپ کو؟ بھائی ہم سے بھی پہلے گئے ہیں یہاں پہ, یہ ہم سے پہلے گئے ہیں جب ہم نے دکان لیا. ادھر تو چھاپا روز پڑتا ہے, ہر چوتھے دن پھر کھول لیتے ہیں. جی پھر کھول جاتے ہیں, ہے نا؟ ہاں جی. تو آپ کو کوئی خطرہ اس سے محسوس نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو آگ لگ سکتی ہے, پیٹرول پڑا ہے اندر؟ دیکھیں بھائی سبھی دکاندار پاس ہے, اب میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اپنا ذاتی پوائنٹ آف بتائیں نا بھائی. میرے ہم سے آئے ہیں, کیا ہوا؟ وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں, ہم بھی کاروبار کر رہے ہیں. بیٹا وہ کاروبار الیگل کر رہے ہیں, آپ الیگل تو نہیں کچھ کر رہے ہیں؟ ہم تو الیگل کچھ کر رہے ہیں. الیگل تو میں چیک کروا دیتا ہوں, آپ کا بھی سول ڈیفینس کا عملہ میرے ساتھ ہے, وہ آپ کو بھی چیک کر لیتا کہ آپ تو کچھ الیگل تو نہیں کر رہے. آپ کو یہ پتا کہ اگر ادھر آتش زدگی ہو جائے تو آپ کسی صورت میں نہیں بچ سکتے, اتنے قریب ہیں, اتنے قریب ہیں کہ آپ کسی صورت میں نہیں بچ سکتے. یہ 1000 لیٹر پیٹرول جب اگر حادثہ ہوگا تو وہ دائیں بائیں کے 100 فٹ کے قریب جو لوگ ہیں نا ان کو افیکٹ کرے گا, اور یہ پیٹرول کی آگ کا جلا ہوا بندہ بچتا نہیں ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. آپ اب ہمسائے کے چکر میں رہو گے کہ اس چکر میں رہو گے کہ اگلا الیگل تو کام تو نہیں کر رہا؟ کیا کرنا چاہیے اب یہ آپ بتاؤ, آپ کا کیا فرض ہے؟ آپ رہتے ہو ساتھ, آپ کا کیا فرض ہے؟ ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم بھائی آپ دیکھیں, میری پاس ایک ہمسایا آپ کے ساتھ, وہ الیگل کام کر رہا ہے جو آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ معصوم بچہ ادھر جل جائے, کوئی بندہ ادھر جل جائے, اور ادھر پوری مارکیٹ کو آگ لگ جائے, تو کون ذمہ دار ہوگا, کس کا قصور ہوگا؟ آپ سب لوگوں نے نہ اپلیکیشنز دیں, آپ سب لوگوں نے نہ انفارم کیا, آپ ہمسائزم کے چکر میں پڑے رہے, پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ خود سوچ کے بتائیں مجھے. کہنے کا مقصد یہ ہے جب میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, میں اکیلا کیا کروں گا؟ آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں, انفارم کر سکتے ہیں, یہ سارے عملے کو انفارم کیا کریں, بتایا کریں. آپ انفارمر ہیں, آپ عوام ہیں, آپ نہیں بتائیں گے, آپ کی وجہ سے بہت ساروں کی زندگی بچ سکتی ہے. محمد بھائی یہ سمجھ لیں کہ یہ پاس پیٹرول بم پڑا ہوا ہے, تو اب بم آپ یہ اتنے سینئر افسر ہیں جو آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور ساری عمر کا تجربہ ان کا, یہ کیوں بلا وجہ آپ کو پیٹرول بم کہیں گے؟ پیٹرول بم پڑا ہے تو بم کی صورت میں آپ بھاگیں گے یا ادھر ہی کھڑے رہیں گے, یہ مجھے بتائیں. سبھی بھاگتے ہی ہیں نا. نہیں بھاگنے دے گا پیٹرول آپ کو, آپ نے بھاگنے کی ضرورت نہیں, اتنا بڑا یہ پڑا ہوا ہے. یہ کنٹینر کا پیٹرول جب پھٹا تھا یاد ہے؟ یاد ہے لوگ بالٹیاں بھر رہے تھے, 250 بندہ تھا کنٹینر پہ, اور وہ اسی طرح جل گیا تھا پیٹرول لینے کے چکر میں. وہ کہتے میں اکیلا ہمسایا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, میرا کیا؟ یہ اکیلے تو نہیں ہیں, باقی لوگ بھی رہ رہے ہیں. یہ تو یہ پوری مارکیٹ اٹھ جانی ہے جب یہ بمب پھٹنا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. پاکستانی قوم 250 بندہ اسی لالچ کی وجہ سے مرا تھا ادھر کے, جی پیٹرول اکٹھا کرتے ہوئے. آپ پڑھے لکھے ہیں, کتنا پڑھے ہیں آپ؟ جی 5-6 جماعتیں پڑھے ہیں. اچھا, ہمسایوں کو بڑا پیار دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہمارا تو دھرم ہی یہ ہے نا, مذہب ہی یہ ہے کہ 40 گھروں تک ہمسائے ہیں. لیکن اگر ہمسائے جو ہیں وہ الیگل کام کر رہے ہوں, اور ایسا کام کر رہے ہوں جس سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے, تو آپ ان کے ساتھ پھر نہیں کھڑے ہوتے؟ کیا خیال, آپ کے ساتھ والا ہمسایا کسی کو قتل کر رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ ہمسایا ہے میں ساتھ کھڑا ہوں, نہیں کھڑے ہوں گے؟ تو یہ کسی کو مارنے کا باعث بن سکتا ہے ایسا ہی؟ آپ نے اٹھائی نا, آگے والی ساری بند کر دی ہوں گی, انہوں نے ساری دکانیں بند کر دی. آگے ہم نے ٹیمیں بھیجی ہوئی ہیں. اچھا ہاں, انہوں نے ساری بند کر دی. بہت آپ ادھر ہی ہوتے ہیں؟ ہاں ادھر ہی ہوتے ہیں. یہ اتنا بڑا خطرہ ہے لیکن کوئی کمپلین نہیں کرتا, نہ کوئی بتاتا. دکان ادھر ہے لیکن ہوتے تو ادھر ہی ہیں. وہ تو صحیح ہے آپ کی بات. معصوم بچے ہیں ادھر سے گزرتے ہیں, آگ لگ گئی, کون ذمہ دار ہے؟ کسی نے بچنا ہی نہیں ہے ادھر سے, کسی نے بھی نہیں بچنا. بعد 1000 لیٹر سر پیٹرول ہے, 1000 لیٹر پیٹرول اس میں ہو سکتا ہے, اور بہت سارے فرائض جو ہیں آپ کے ارد گرد والے لوگوں کے ہیں. وہ دیکھیں بلدیہ عظمیٰ کی ٹیم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کو بند کر دیا ہے, یہ سیل کر دی گئی ہے, اور اس کو لوڈ کرنے کا سلسلہ اب جاری ہے, اور یہ اب میئر صاحب کی تحویل میں چلی جائے گی یہ مشین جو ہے, اور یہ کسی کو واپس نہیں ملے گی. یہ بلدیہ عظمیٰ, سول ڈیفینس اور انڈسٹریز, 3 محکموں کا بھرپور آپریشن, اور آپریشن بھی ان لوگوں کے خلاف جو آپ کے اور ہمارے دشمن ہیں. اور دشمنی وہ کیا کرتے ہیں کہ 1000 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ اس اوپن مارکیٹ میں پڑا ہوتا ہے جہاں ایک سیکنڈ میں آتش زدگی ہو سکتی ہے, اور آتش زدگی کے نتیجے میں کم از کم نقصان جو ہے وہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, کم از کم نقصان کا, اور اس سے زیادہ نقصان کتنا ہو سکتا ہے یہ میرے ویورز بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ اس پیٹرول پمپ سے آپ نے بھی کبھی پیٹرول ڈلوایا جی؟ نہیں جی, ہم تو نہیں ڈلواتے اس سے. 1000 لیٹر کا پیٹرول کا جو ڈرم ہے اندر پڑا ہوا ہے, ہم نے تو یہ فنکشن دیکھا ہی, آج پہلی دفعہ دیکھا ہے ہم نے یہ سسٹم, کہ یہ اتنا خطرناک سسٹم ہے. یہ پیٹرول بمب ہے, وہ اندر ٹینکی اتنی بڑی فل رکھی ہے, وہ تو بم رکھا ہوا ہے. ہاں جی سر جی, یہ ہے تو خطرناک ہی ہے, پر یہ نا 20 بار اٹھایا ہے ادھر سے, پھر ادھر ہی ہوتا ہے 2-3 دن بعد. چاہیے دوبارہ ادھر ہی لے کے آ جاتے ہیں, پھر اس دفعہ پکا انتظام ہوگا جی. یہ مشینیں نہیں خرید لیتے ہیں,
वो मशीन वापस नहीं मिलती, ये नई मशीनें खरीद लेते हैं। अच्छा ऐसा। हाँ, नई मशीन ला के इंस्टॉल कर देते हैं इनके पास, क्योंकि यूनिट इनका चल रहा होता है, इनका एक पंप नहीं होगा, कई और भी पेट्रोल पंप होंगे इस तरह के, तो वो नई मशीन उठा के इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत करते हुए हैं, पाबंदी लगाए इस पे। चौहान साहब किधर है? चौहान साहब से बात करनी है जी हमें। चौहान साहब, ये कंप्लेन लोग करते हैं कि रोज नई इंस्टॉलेशन आ जाती है, दोबारा मशीन वापस आ जाती है, लोग काम कर रहे हैं। यहाँ ये देखें, इलाका मकी यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, वो कहते हैं कि ये डेली ये मशीन आ जाती है और चलना शुरू हो जाता है, कल फिर ये पेट्रोल पंप जो है यहीं पड़ा होगा। सर ऐसे है कि इसमें पता ही सबको अपना अपना शेयर करना चाहिए, आवाम को अपना शेयर करना चाहिए, मालिक मकान को अपना शेयर करना चाहिए, महकमे को अपना शेयर करना चाहिए, इसकी जो है ना इसको रोकने। पढ़ते हुए बच्चे इस वक्त अकेडमी से आए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान कितना प्यारा नाम है, आपका नाम क्या बेटा? कंदर। तो बेटा इधर आग खुदा ना खासा लग जाए तो आपको पता है ये कितना नुकसान दे होगा? हम नहीं मानना, जारी बात है। ठीक कह रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, सलामती दे, बच्चों को ये शऊर है, सबको पता है, लेकिन फिर भी ये मार्केट में मौजूद जो यहाँ की यूनियन है, यहाँ के ताजर हैं, यहाँ के लोग हैं जिनका इकट्ठ होता है, वो इनको नहीं रोकते और ये इल्लीगल धंधा जो है वो जारी उसारी है। सबसे बढ़कर जो लोग कुर्बत जवार में रहते हैं उनको लाजमी चाहिए कि वो इदारों को इन्फॉर्म करें और बताएं कि कोई भी बड़ा सानिया हो सकता है। खुदा ना खासा बड़ा सानिया होने की सूरत में यहाँ फिर आपको एम्बुलेंसेज नज़र आएंगी और फिर आपको फायर फाइटर्स नज़र आएंगे खुदा ना खास्ता, और सबका सामान जल जाएगा, सबकी जो यहाँ जमा पूंजी है वो जलकर खाकिस्तर हो जाएगी। अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाक के ये वक्त आए, लेकिन हालात ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर यहाँ के पेट्रोल पंप जो हैं उन्हें बंद ना किया गया और प्रॉपर यहाँ दोबारा से ऑपरेशन का सिलसिला ना शुरू किया गया और ज़ीरो टॉलरेंस इन पर पर्चे भी देने चाहिए ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ। जब इन पर पर्चा कोई नहीं होता और इसकी प्रोसिक्यूशन कोई नहीं, इसका कानून साजी कोई नहीं, तो हालात जो हैं वो जूं के तूं हैं। आप ये देखिए, एक दुकान में 1000 लीटर पेट्रोल रखना और मिनी पेट्रोल पंप बनाना जुर्म नहीं है, क्योंकि कोई लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है, अगर कानून भी है तो वो हल्का फुल्का काबिल जमानत। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जी अवामुन्नास को कि खुदा के लिए इस कारोबार के लिए अपनी प्रॉपर्टी को हरगिज़ किसी को किराए पर ना दें। ये आप किराया 2-4-10 हज़ार किराया ले लेंगे, लेकिन जब कोई हादसा होगा तो जो कीमती जाने ज़ाया होंगी उसका कोई अजाला नहीं है। और ये पिछले दिनों 15 दिन पहले एक हादसा हुआ है इसी पेट्रोल पम्प के ज़रिए, पूरी बिल्डिंग राख बन गई है। तो मैं ये पैगाम दूंगा कि कोई भी जी शऊर जो अपना शहरी है ना, वो अपना मुजाहरा करें कि किसी बंदे को ये किराए पर ना दें, इस बिज़नेस के लिए ना दें। ठीक है, आप क्या करें? कोई सर इनके पास सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है, कोई इनके पास जो है वो आलात नहीं है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। अंदर का विजिट किया? विजिट मैंने किया सर। वो कोई आप देखें वायरिंग उनके पास नहीं है, आप देखें उनके पास वो यूपीएस लगा हुआ है और 7 लीटर पेट्रोल पड़ा है। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है सर, इनको चलाना भी नहीं आता होगा कि उनको उसको चलाना कैसे अगर खुदा ना खास्ता आग लग गई तो। आग के लिए फायर एक्सटेंशर जो है ना वो ना काम ही नहीं करता। ये वेपर्स को आग लगती है और ये इस तरह फैलती है कि जिस तरह कोई जादू हो गया है, पूरे एरिया को अपने लपेट में ले लेती है। ये पिछले ये जो एक हादसा हुआ था ट्रक का, वो ट्रक लीक हुआ था जो, तो 200-250 बंदा जो करीब खड़ा हुआ था, जो पेट्रोल नहीं भर रहा था, दुकान को सील कर दिया गया हुआ था, दुकान बंद कर दी गई है और इस दुकान का शटर जो है उसे गिरा दिया गया है। और अब इस दुआ के साथ कि ये दोबारा ना खुले और ये मशीन जहाँ जा रही है वहीं पड़ी रहे और जो मुतलका लोग हैं वो डेली यहाँ का विज़िट भी करें ताकि आने वाले मुस्तकबिल को, आपको, हमें, यहाँ की मार्केट को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों के कारोबार को, यहाँ के लोगों की सेहत को, यहाँ के लोगों की जान को बचाया जा सके, ताकि वो महफूज रह सके, ताकि उन्हें पता हो कि यहाँ रूल ऑफ लॉ मौजूद है। आप हमारे साथ रहिए। ये कुछ देर पहले यहाँ से कुछ फासले पे आपको दिखा रहे थे मिनी पेट्रोल पंप को सील करते हुए, और उससे कुछ कदम के फासले पर ये एक और स्टेशन लगा है मिनी पेट्रोल पंप का। जब ये टीमें मूव करती हैं छापा मारने के लिए तो ये एक मैकेनिज्म बना लेती हैं। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो एक स्पॉट पे खड़े हो जाते हैं जहाँ हम कोई कार्रवाई देख रहे होते हैं और अपने व्यूअर्स के साथ उसको शेयर कर रहे होते हैं। जावेद साहब जो हैं ये बल्दिया उज़्मा के अफसर हैं और ये यहाँ पहले आ गए ताकि हमसे अगले वाली जो दुकानें हैं वो बंद करके शटर डाउन करके भाग ना जाएं जो मिनी पेट्रोल पंप इधर लगे हैं।
तो इनके साथ उन्होंने क्या क्या किया ये मैं इनसे पूछता हूँ। जावेद साहब, आप कितनी देर पहले, हम उधर रिकॉर्डिंग कर रहे थे और बल्दिया उज़्मा की टीम, आपकी सिविल डिफेंस और बाकी सारे लोग जो हैं वो सारे जो हैं वो हम कार्रवाई में मसरूफ थे उधर, तो कितनी देर पहले आप इधर आ गए? मैं इधर आया हूँ तो इधर मशीन बाहर पड़ी हुई थी। तस्वीर है आपके पास कोई? उसकी तस्वीर भी है, उस लड़के की मैंने तस्वीर भी उतारी है। ये लड़का था, ये पेट्रोल सेल कर रहा था इधर। ये टेलीविजन स्क्रीन पे जी आप देख सकते हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसने धक्के मारे आपको? हाँ जी, ये इन्होंने पहले काफ़ी देर खड़े रहे इधर, वो उधर से कुछ लोग आते हैं वो बताते रहे, वो पीछे वो कॉरपोरेशन वाले आ गए हैं, वो मशीनें उठा रहे हैं, तो पहले वो कुछ नहीं कहा, उसके बाद चार पांच लोग और आए हैं, उन्होंने धक्का मारा, मशीन अंदर फेंकी है, मेरे ऊपर मशीन गिरी है, ये मुझे चोट भी लगी है पाँव के ऊपर, तो मैं भी गिर गया हूँ, तो वो फिर उन्होंने ये सारा तमाशा देख रहे होंगे इधर के लोग, इधर उधर लोग देख रहे थे, तो वो धक्का मार के उन्होंने शटर डाउन करके ताला मार के भाग गया। कार्य सरकार में मुदाखलत की उन्होंने? जी सर, जी सर। क्या कानून है जी सर, आप तो सीनियर हैं, क्या कानून है? सीनियर तो वैसा भी हैं, मैं तो उनसे ज्वाइन करना है सर। कोई भी सर अगर देखे आप कार सरकार में मुदाखलत करता है तो उसमें तो सीधी सीधी FIR है उसके ऊपर, क्योंकि जब वो कोई सरकारी एहलकार अगर किसी के पास जाता है और अगर वो कोई जाहिर सी बात है कहीं ना कोई किसी को शिकायत होती है तो इस वजह से उसके पास हमें आना पड़ता है, तो अगर वो आए हैं उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की है या उनको धक्के मारे हैं तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ हम जरूर FIR करवाएंगे और जो हमसे हो सका हम इसके जरूर इसको अप्रोच करेंगे इंशाल्लाह। चौहान साहब, शिकार आपसे मिस हो गया आज? नहीं, शिकार भी से बुरा है, मैं तो आगे निकला था और मशीनें पकड़ने के लिए, तो ना मेरे जाने से पहले ही वहाँ अतला हो गई, तो सारी दुकानें बंद है, मैं देखा है वो सारी दुकानें बंद है। नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है इनका? नहीं, इनका है, बिल्कुल है। जब हम जो ही किसी दुकान पे कार्रवाई हो रही होती है, वो जो ऐसी जो रास्ते में पेट्रोल बाइक पे जा रहा होता है वो आगे इतला करता चला जाता है, वो पीछे वो आ गए, पीछे वो आ गए, उठा लो, मैं इधर बैठा हुआ हूँ बाइक पे, लड़के आके मुझे कह रहे हैं ओए तुम आराम से बैठे हो, इसको उठा लो, अंदर कर लो, अंदर कर लो। जिन बाइक्स वालों को ये पता है ना कि 1000 लीटर पेट्रोल को आग लगे तो उसका नुकसान कितना होता है वो नहीं बताते? नहीं बताते। तो जिनको ये नहीं पता ना वो बताते हैं? हाँ। और 99% को नहीं पता? मेरा ख्याल कोई 20 से 25 अफराद आए हैं, वो आके यही ओए तुम आराम से बैठे हो, वो इसको बंद करो, इसके अंदर कर लो, वो आ गए इसको अंदर कर लो। ये बच्चे मेरे साथ इधर मौजूद हैं, बेटा किस क्लास में आप पढ़ते हैं? आप 7 में। तो इधर मिनी पेट्रोल पंप देखा है आपने? मिनी पेट्रोल पंप देखा है जी। आपको पता है ये कितना डेंजरस है? पता है कि नहीं पता? पता। कैसे बताओ, समझाओ मुझे। इससे आग भी लग सकती है और 1000 लीटर पेट्रोल पड़ा होता है ना। आप इधर ही होते हैं सर? मैं इधर गई, इधर आपने देखा? हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे सर? जी सर, हमने अपने टाउन में कार्रवाई की है, हमने 16 मशीनें उठाई हैं और उनको 10,000 जुर्माना किया, और अभी मशीन वापस कैसे आ जाती है? जुर्माना दे के 10,000 तकरीबन जुर्माना किए करते हैं, उसके बाद ये हमारे पास अभी भी 10,000 जुर्माना दे के मशीन वापस, वो 2 लाख महीने का वो कमा रहे हैं। हाँ जी, मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि मशीनें ये इनको वापस क्यों करते हैं, जुर्माना करते हैं मशीनें वापस ही ना करें फिर ये तो मकसद बात करने का, अगर वो 10,000 रुपए की क्या बात है उनके आगे, वो तो इस दौर में बच्चा भी उनकी वो तो निकल जाएंगे कमाई दे के। जावेद साहब को धक्के पड़े और कार्य सरकार में मुदाखलत हो और आला हुकाम जो है और मेयर साहब जो हैं वो इस मशीन को वापस कर दें और 10,000 जुर्माना लें, ये कहाँ का इंसाफ है? और ये कब तक चलेगा कि यहाँ के इलाका मकी एक ही बात कर रहे हैं कि आप पिछले साल भी मशीनें बंद करवा के गए हैं, अगले दिन वो इंस्टॉल हो जाती है। सर ये बताएं सर, ये तो पता अभी चला ना हमें, दो घंटों में हमें लोगों को ये पता चला है कि ये डेंजरस है, अगर हमें ना पता हो। आप क्या करते हैं? हम पेंट का काम करते हैं, हमारे पास ही है, इधर करते हैं, यहीं पे काम करते हैं। तो ये सारे लोग और ताजर हजरात और सारी कम्युनिटी बताती नहीं है, 1000 लीटर पेट्रोल का ड्रम अंदर जब फटेगा तो पूरी मार्केट को ले डूबेगा। सर ये हमें हम लोगों को इतना तो नहीं पता, अगर हमें लोगों का तजर्बा हो तो हमें इनके पास आए ही ना, तेल डलवाए ही ना हम इनके पास, हमें तो अब पता चला। भाई अभी तक लाहौर में लोगों को यही नहीं पता कि पेट्रोल कितना डेंजरस होता है, आप क्या समझते हैं लोगों को अभी तक ये नहीं पता? कितने पर ये तो इनका काम है ना, अभी इन लोगों का काम है, अभी ये कर रहे हैं छापे डाल रहे हैं तो इनको मशीन वापस दे ही ना, ये इनको देता कौन है? मैंने पूछा ये चौहान साहब से पूछा, बड़े सीनियर है। चौहान साहब फरमाते हैं कि ये ईरान का स्मगल्ड पेट्रोल टाइप की चीज़ है,
ये पेट्रोल पंप्स वाले ही सर इनको करते हैं, वो जो बाइक वालों को वो हेलमेट के बगैर नहीं देंगे, और जब बाइक को चला जाएगा साइड पे और ये इनको ड्रम भर भर के इनको देते हैं, और रिक्शे पे लोडर रिक्शे पे लेके आते हैं ये लोग। 1000 लीटर का ड्रम, वो भी आप देखें कि नाकिस क्वालिटी का बना हुआ ड्रम और प्लास्टिक का, और उसके इर्द गिर्द वायरिंग की हुई है, खुद से UPS पड़ा हुआ है, और आप बोर्ड इनके देखें जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड है, तो आप बनाना चाहें वो तो बहुत डेंजरस है, वो तो इन्हें बात करनी चाहिए कि ये मशीन 10,000 जुर्माने पे मशीन क्यों वापस दे रहे हैं, या कंपनी पे एक्शन ले ना, ना इनको फिर इनको पता चले भी मशीन कंपनी पे एक्शन ले, बाइक पे जिसने 100 का लेना है पेट्रोल उसको वो हेलमेट के बगैर नहीं देगा, वो कहेगा नहीं जी आप चले हेलमेट लेके यहाँ से ले जाएगा, और हाँ यहाँ से ले जाएगा और ड्रम भर के पेट्रोल पंप वाले दे देंगे इनको कि जी आप यहाँ के सेल करेंगे। लोगों का रश तो फिर यही होना है ना, उनका मेरे पास हेलमेट नहीं है, मैं यहाँ से ले लूँ, मतलब बात करने का तो ये है सर, ये वापस मिल जाती है मशीन सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मशीन तो डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर वाले जो है ना वो वापस कर देते हैं जुर्माना करके, ऐसे नॉमिनली उनको जुर्माना कर देते हैं 10,000 रुपया मशीन वापस कर देते हैं, और अगर इंशाल्लाह ताला ना मैंने कोई कानून कोई ऐसा रोला इतनी खप इतना कुछ करके 10,000 इधर ही जुर्माना करें एंड कर दे, जब आपने दोबारा लगवा ही देनी है फिर क्या मकसद है? बड़ा अच्छा आइडिया, ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया इन्होंने, वो कहते भाईजान इतना रोला डालने की बजाय आप मशीन पे आए फॉर्म भर के दे के भाईजान 10,000 वापस कर दे, उन्हें 2-3 दिन जलील होना पड़ेगा वहाँ पर इनके छुड़ाने के लिए, 2-3 दिन हम जलील होंगे वहाँ पर, वहाँ से DCO से साइन करवाएंगे, फिर फलाने के पास जाएंगे, फिर बीज जमा करवाएंगे, 2-3 दिन तो हमारे वैसे ही लग जाएंगे, फिर ये जुर्माना अगर यहाँ कर ले तो ये बहुत अच्छा है, कोई काम नहीं हो सकेगा, जो कोई काम नहीं हो सकेगा, ऐसे जो 10,000 रुपया लगा ही देंगे तो जो लीगल प्रोसेस होता है वो तो अडॉप्ट करना पड़ेगा ना, जो लीगल है लीगली बता रहे हैं वो लीगल बता रहे हैं, मौके पे जुर्माने का भी इख्तियार किसी को भी नहीं, वो भी कर ले अमेंडमेंट, मैं भी अगर भेजूंगा तो मैं भी इसकी प्रोसिक्यूशन करूंगा, मैं जज कह रहे अमेंडमेंट कर ले अमेंडमेंट कर ले कर करता है ना, ट्रैफिक वार्डन भी तो सर उधर ही चलान करता ना मौके पे, इस पे लेजिस्लेशन की जरूरत, इस पे लेजिस्लेशन हुकूमत है पंजाब को, हुकूमत है पंजाब को सोचना चाहिए कि इस पे कोई ना कोई अगर लेके आनी चाहिए, अगर वार्डन मोटरसाइकिल बंद करता है तो हमें वहां से जाके लेके आनी पड़ती है वो, ठीक है ना, आपके पास आईडी कार्ड हो तो वो आपको उधर ही चलान, मेरी ना यही बात कर रहा हूँ, वो भी 200 लेके चलान उधर छोड़ देते हैं। अच्छा ये मजाक में बातें सारे कर रहे हैं, असल बात ये है कि अगर ये मसाइल पैदा हो गए हैं इस पे लेजिस्लेशन की जरूरत है, आप 10,000 रुपया लेके मशीन वापस कर देंगे तो इतने लोगों की मेहनत, ये जावेद साहब को धक्के पड़े हैं, जिसके ये बेटे जिनके ये होंगे वालिद, उनके अपनी औलाद पे क्या बीती होगी, और उन्होंने क्या सोचा होगा एक लम्हे के लिए कि मेरे बाप को किसी ने काम करते हुए कार्य सरकार में मुदाखलत की है और वो सरकारी अफसर हों, तो ये हालात इस तरह नहीं चल पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, आप रूल ऑफ लॉ कायम कीजिए, रूल ऑफ लॉ होगा तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा, लोगों के यहाँ खुशहाली भी होगी, इंसाफ का बोलबाला भी होगा, और अगर इसी तरह किसी न किसी जावेद को धक्के पड़ जाएं और लोग सीना जोरी के साथ मशीनें अंदर रख के ताले लगा जाएं तो फिर आने वाले दिनों को अल्लाह ही हाफिज़, और इस मशीन को अगर जो ट्रक में लोड है 2-4 दिन बाद जुर्माने के बाद आप छोड़ देंगे तो फिर भी अल्लाह ही हाफिज़। फातिह बाज़ खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के मान।